वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी वीडियोस बआसानी मिल सके। फरा सादिया पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री की एक मशहूर मेज़बान और टीवी अदाकारा हैं। वो अपनी चलाक मेज़बानी के अंदाज से बहुत मशहूर हैं। फरा सादिया का असल नाम फरा हुसैन है और ये इस्लामाबाद में पैदा हुई। इनका ताल्लुक एक बहुत ही आज़ाद ख्याल और तालीम याफ्ता घराने से है। फरा की पहली शादी इकबाल हुसैन से हुई थी। फरा और इकबाल की पहली मुलाकात एक ड्रामा शूटिंग के दौरान हुई, जहाँ वो दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। इसके बाद इन दोनों ने साल 1990 में शादी कर ली। इनके दो बेटे अब्दुल रहमान और अब्दुल्ला हैं, लेकिन वो अब दोनों अलहदगी इख्तियार कर चुके हैं। फरा ने अक्टूबर 2013 में इकबाल हुसैन से तलाक ले ली थी। अपनी पहली तलाक से कबल ही फरा हुसैन की मुलाकात एटीवी के सेट पर तौकीर अहमद से हो गई थी। तौकीर अहमद ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि ये 2012 की बात है, जब एटीवी वालों ने इनको अपने एक शो में मधु किया था और इनकी वहाँ फरा हुसैन से पहली मुलाकात हुई थी। और एक दूसरे से गपशप के दौरान इन दोनों को पता चला कि तौकीर अहमद और फराह के वालदैन का ताल्लुक टोबा टेक्सिंग की एक तहसील गोजरा से है, जहां से इनके आपस में राबते शुरू हो गए। और फिर साल 2012 में ही फराह हुसैन ने इंतहाई सादगी और खामोशी के साथ इनके साथ दूसरी शादी कर ली, मगर फराह हुसैन ने इस शादी को सबसे छुपा कर रखा। तौकीर अहमद पेशे के लिहाज से एक शेफ हैं और वो बहुत सारे टीवी चैनल्स पर मुख्तलिफ प्रोग्राम भी कर चुके हैं। तौकीर अहमद ने इस तलाक की वजह को बताते हुए कहा कि मैं पहले से शादीशुदा था, जिसका फराह हुसैन को इल्म था। मेरी पहली बीवी और बच्चे अमेरिका में मुकीम थे। मेरी पहली बीवी को कैंसर हो गया, जिसके लिए मुझे अमेरिका जाना पड़ा। पीछे फराह हुसैन ने एटीवी की जॉब को छोड़कर ए प्लस टीवी चैनल के मॉर्निंग शो एक नई सुबह विद फराह में बतौर मेज़बान काम स्टार्ट कर दिया था। इस शो में नाच गाना होता था, जो मुझे पसंद नहीं था। मैंने फराह को मना किया, मगर वो नहीं मानी, जिससे हम दोनों में इख्तलाफात शुरू हो गए और बात तलाक तक जा पहुंची। तौकीर अहमद के मुताबिक, मैं फराह की रिस्पेक्ट करता हूं और फराह ने ही मुझे इस तलाक को पब्लिक ना करने का वादा लिया था,